बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, तो मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहना। तो दगड़िया वक्त आ गया है आपको गुड न्यूज सुनाने का। इसलिए हमारी बकरी देवी से दोस्तों बेचैन आत्मा, ये इतना सौला काट के डाल रखा है, इसको चार रोटियां दे दी है मैंने छुपा छुपा के, लेकिन फिर भी चिल्लाने में ही है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे उस खुशखबरी के बारे में? कैसी खुशखबरी? मैं खुद जिले होल मनो फोगल अभी देखे अल्लाह बड़ी खाली ढोल बजा के मकाम पूर आती गांव लगा दी। घर से भागने की तैयारी हो रही है। कवार भर पुटा दो ना मजा को। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? तब मैं खाने दे दी मां आमने जा। तो बुआ के आगे नहीं रहे फिर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और व्लॉग की शुरुआत मैं अपने घर से ही करती हूँ। तो आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हल्का सा कोहरा लगा है, हल्के से बादल भी हैं और हल्की हल्की सी धूप भी आई है, सब कुछ हल्का हल्का ही है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो व्लॉग के एंड तक ही पता चलेगा जो भी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, तो मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेरा मुंह धोए स्कूल? यस। कभी कभी मुंह धो के भी जाना चाहिए, है ना? सही कहा आपने, धो रखा मुंह लेकिन लागन ना ना लोगन, शक्ल ही ऐसी है मियाँ, रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है ना, इसीलिए धो भी धोगे तब भी ऐसे ही दिखूंगा मैं। चल दो फिर, आप क्यों रुक रहे हो, स्कूल की देरी नहीं हो रही है? जहाँ साहब की करूँ। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे उस खुशखबरी के बारे में? कैसी खुशखबरी? मैं खुद पता ना आदि कुछ तो है, मुझे जानू, मैं तब बताना आपको पता होगा ना, तो किसको पता होगा फिर, आपको बतानी है तो ये थोड़ा रोनू को पता चल रहा, रहने वाली बात नहीं है ना यार, पत्तू पत्तू हूँ मैं, सबों ने पहली ढोल थमा के रही, बात नहीं जानी नहीं पे ना पत्तू, जाना पड़ेगा अपने ढोल थमा के सबसे आगे, खुशी की बात है। नहीं पियो कि हाल नहीं पहने आ रहा, पियो ही नहीं किया। वो हमारी फैमिली से रिलेटेड है जो भी है। ठीक है, बढ़िया है, भियो भलो भियो निको भियो जिले होल मनो फोगल अभी देखे हो अल्लाह बड़ी खाली ढोल बजा के मकाम पूरा आती गांव लगा दी नहीं भियो ही मुखला देवी जा जिले होल खाली छोट 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 कोई है क्या? चलो मैं ही बता दूंगी फिर, आप नहीं बताना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, मैं खुदा मालूम नहीं भी, आपको पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हो। पागल थोड़ी छू, क्या नहीं पता हूँ कहाँ जाऊँ। चलो ठीक है फिर, जाओ स्कूल जाओ। खर खर मर यार, आ गल में जुग दिमरी गल, एक गल दिन कर आया वीडियो बली जसली बनल चाय दिया गल न कर, गल कर बिन जसली बनल की करवा आपने, जो सोलू हो दी हूँ ना, अब 5 स्टार होटल में मैं जाने नहीं दी हूँ है कि नहीं, इतनी रोने रुई अब जैसा जैसे दिखाई ना, आल आल लगे आल दिखाई, आर लगे आर दिखाई, काफल लगे काफल दिखाई, कि दिखो पाते हैं जी अहर लगा मैंने अभी अहर देखूँ अहर देखूँ मैं की करूँ हो घर में तो फोन नहीं हो। इसलिए हमारी बकरी देवी से दोस्तों बेचैन आत्मा, ये इतना सौला काट के डाल रखा है, इसको चार रोटियां दे दी है मैंने छुपा छुपा के, लेकिन फिर भी चिल्लाने में ही है। चल मैं यहीं पे बैठी रहूंगी जब तक तू खाएगा नहीं, खा, तेरे दोस्त तो बहुत जल्दी आएंगे, तू टेंशन मत ले, ले खा खा बाबू। जैसे मम्मी घर में नहीं है, हमें अजीब सा हो रहा है, मतलब घर पे कोई मेंबर नहीं होता है तो बुरा लगता है ना, तो वैसे ही आज इस बकरी का भी हो रहा है। आज क्या, कल परसों 2-3 दिन से अकेली है बेचारी, रोने में ही है अंदर बाहर जाते हुए, तो यार जानवरों के पास भी होता ही है दिल, है ना, वो भी समझते हैं कि यार हमारे साथ ही नहीं है तो हम अकेले कैसे रहने वाला, तो बेचारा बहुत बेचैन है कब से। तो आमा भी उठ चुकी है और चारों तरफ राउंड लगा रही है, मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग वॉक चल रही है, दोनों लाठी पकड़ के हाथ में। सबसे पहले वो थोड़ा टहलती है, फिर अपने सिंहासन में बैठती है, थोड़ी देर चेयर में बैठ के पाँव हिलाती हैं, पाँव में दर्द भी होता ही होगा, बुढ़ापा ही हुआ है ना, फिर मॉर्निंग वॉक होती है उनकी, थोड़ा घर के चारों तरफ राउंड होते हैं, कहाँ पे क्या बोया है, कहाँ पे क्या करना है,
मतलब ऑर्डर झाड़ती रहती है दिन भर, तो यही है। तो वो भी उठ गई हैं और पापा भी उठ गए हैं, मोटू चले गए हैं स्कूल और मैं ही हूँ घर पे अकेली। मम्मी भी आज आ जाएंगी, एक दिन के लिए ही गई थी। गाय बेचने पर इतना आराम तो हुआ, कम से कम कहीं जाने का मौका तो मिला, वरना दूध निकालने करके वो कहीं जा भी नहीं पाती हैं, क्योंकि जानवर अगर घर में होता तो फिर दिक्कत ही होती है ना। अब मुझे दूध निकालना आता है नहीं, अगर मुझे आता तो फिर वो बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती थी, अब उन्हें आता है तो मैं बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती हूँ। अगर मैंने सीख दिया तो फिर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना, फिर मुझे घर ही में रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब तक नहीं सीखती हूँ तब तक खूब मजे करती हूँ, खूब फेरती हूँ इधर उधर। तो हम गाय लेके आ गए हैं और ये बहुत दौड़ रही है, रो पड़ पकड़ लाया नहीं तक। पापा के हाथ में बच्ची है और मेरे हाथ में तो दौड़ना मत, आराम से चलो 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 चलो। तो दगड़ियों वक्त आ गया है आपको गुड न्यूज़ सुनाने का, खुशखबरी सुनाने का। तो ज़्यादा इंतज़ार भी क्या ही कराएं आपसे, है ना। तो खुशखबरी ये है कि हम गाय लेके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटी सी गाय है, उसके हाथ एक छोटी सी बच्ची है, और जो बकरी सुबह से रो धो रही थी ना, बिल्कुल शांत हो गई है। अब उसको लग रहा है कि मेरे दोस्त आ गए हैं घर के, तो बिल्कुल शांत है। और गाय भी हम ला गए हैं, बात भी दिया है उसके, उसकी खातिरदारी में हमने दौ दे दिया उसको और चारा भी डाल दिया है मैंने, धुआं भी लगा दिया है। तो थोड़ा सा अब घास काटूंगी इसके लिए, हरा घास। तो बहुत अच्छी है, छोटी सी है और मारती भी नहीं है, मैंने सुना। सीधी सादी गाय लेके आ गए हैं, तो मैं भी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। मतलब बना तो सुबह ही दिया था, पापा नहीं आए थे, तो पापा आ गए हैं अब गाय को लेके, तो खाते हैं अब सब लोग साथ में। तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते में आज आड़ू की चटनी बनाई जाए रोटी के साथ, सब्जी भी है कल की है तो सब्जी भी खा लेंगे गरम करके, और साथ में थोड़ी सी चटनी भी हो जाए खट्टी मीठी। तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आड़ू लिए 5-6 दाने और उनको धोया, काटा और उसके बाद उसको मिक्सी में डाला, पीसा, थोड़ा सा उसमें मिर्ची भी ऐड करी, नमक अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए हो। तो आड़ू की चटनी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, तो बहुत अच्छी भी बनी है खट्टी मीठी। तो थोड़ा सा मैंने उस आड़ू तो वैसे भी खट्टे मीठे ही होते हैं, तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ी सी मिर्ची ऐड करी और थोड़ा सा नमक ऐड किया। तो ये है मेरा नाश्ता, नाश्ते में है थोड़ा सा घी, घी मेरा फेवरेट है और घी बहुत टेस्टी हो रखा है, दानेदार भिंडी की सब्जी, और ये है आड़ू की चटनी, तो ये तो बहुत टेस्टी हो रही है, मैंने चख भी लिया है। तो नाश्ता पानी भी कर लिया है दोस्तों, और अब मैं थोड़ा सा ना आंगन के पास से घास काटती हूँ। अभी तक काट लेती लेकिन कल बारिश बहुत तेज़ हुई थी तो ओस हो रही थी घास में, तब मैंने नहीं काटा। अब अच्छी धूप है तो ओस भी सूख गई है, और घर के पास वाला ही जो हमारा आंगन है उसमें ही बहुत सारी घास हो रही है, फिर ये घास बड़ी हो जाएगी तो गाय खाते भी नहीं है, तो इसको ही काटते हैं फटाफट से। और काट लूँगी तो फिर मच्छर भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इस घास की वजह से ना मच्छर भी बहुत आते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पर की जो घास थी वो मैंने काट दी है, और थोड़ी थोड़ी सी ओस इस पर है तो मैंने इसको फैला भी दिया है, थोड़ी देर बाद ले जाएंगे जब थोड़ा सा सूख जाएगा। तो अब थोड़ी देर जानवरों की तरफ जाती हूँ, उनको पानी वानी पिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इस बच्ची को देख के मुझे अपने बौड़ा महाराज की याद आ रही है यार, इतनी प्यारी सी है ना, सेम मेरे बौड़ा महाराज की तरह छोटी सी, और मुझे देख के डर भी रही है, पता नहीं क्यों डरते हैं जानवर मुझे देख के इतना। वो भाई साहब अक्षय कुमार की तरह लात मार रही है, तो लात मारने का स्टाइल कुछ अलग है इसका, सीधे मार दे रही है लात भी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हम छत पे आए हैं लहसुन उठाने के लिए, मम्मी और मैं। थोड़ा बहुत लहसुन हो रहा था हमारा, तो खाने ऐसा तो इस बार हुआ नहीं वैसे, लेकिन हम लोग तो खा सकते हैं तो हम लोग ही खाएंगे, मम्मी लोग तो नहीं खाएंगे। तो मम्मी भी उठा रही हैं और मैं भी उठा रही हूँ। तो भाई आज इतना ज़्यादा गर्म हो गया है ना, बहुत ज़्यादा, और छत भी इतनी गर्म हो रही है कि पाँव रखने ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि पहाड़ में इतनी सारी बारिश हो रही है डेली डेली, तब भी इतना गर्म हो रहा है दिन के वक्त। और सोचो शहरों की और क्या हाल हो रहा होगा यार, क्या स्थिति रह रही होगी उन लोगों की यार सुबह, मतलब पहाड़ में ही इतना बारिश होने के बाद इतना गर्म हो रहा है, तो शहरों में तो बारिश भी नहीं हो रही है, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, कैसे सहरे होंगे पता नहीं। मैं तो अब नहाती हूँ, आज मैंने नहाया नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा गर्म लग रहा है। और जो लहसुन है इसको भी मैं रख लेती हूँ अंदर, क्योंकि बारिश आने वाली है अभी। तो यहाँ पर मेरी बगिया में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं, क्योंकि आजकल दिन में धूप अच्छी हो रही है इस वजह से भी ये खिले होंगे, तो अभी बारिश होगी तो मुरझा के फिर ख़राब हो जाएंगे। तो यार किसी के पास फूल होंगे तो मेरे लिए भेज देना प्लीज़, मुझे फूल लगाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आसपास के लोग हैं, दूर दूर से तो कहाँ से आ पाएंगे, अगर आसपास के लोग मुझे देख रहे हो तो, अगर कुछ टहनियाँ इस सीज़न में लगती हैं तो
संपर्क करना वीडियो में, कमेंट करना मेरे पास अगर के मैं आ जाऊंगी लेने के लिए। तो जैसे ही नहाना धोना हुआ वैसे ही मौसम ख़राब हो गया, तो अब ठंडा ठंडा कूल कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बारिश तो ऐसे आएगी नहीं, क्या पता रात तक आ जाए। तो अभी हवा भी चल रही है और बादल भी लग गए, काफ़ी अच्छा काफ़ी सुहावना मौसम हो गया। तो अब सब्जी वब्जी काटते हैं, खाने पीने की तैयारियाँ करते हैं। मम्मी जी भी आ गई हैं, तो भी मिलाते हैं आपको मम्मी जी से। तो दोस्तों बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश और यहाँ पर अखरोट का पेड़ है और जो हमारा किचन है वो टीन वाला है, तो अखरोट के पेड़ से बूंदें गिर रही है तो टीन बहुत ज़्यादा बज रहे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ मटर पनीर बनाने का, मुझे हिचकियाँ भी लग रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है, शायद आप में से ही कोई मुझे याद कर रहा है। तो मैंने पनीर को धो के उसके छोटे छोटे पीस बना दिए हैं काट के, और आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर। मटर भी मैंने भिगाने के लिए रख दिए हैं क्योंकि ये फ्रीजर में थे तो ये बर्फ़ जैसे हो रखे थे बहुत ठंडे, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया और पनीर के भी छोटे छोटे पीस बना दिए। तो आज मम्मी जी मार्केट से पनीर लेके आई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने चूल्हे में पानी रख दिया है आग जला के, और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर मेरा पनीर रेडी हो गया है, इसे मैंने क्रीम ऐड कर दिया है, बाकी जो जो चीज़ें डालते हैं वो सब डाल दिया। अब थोड़ा सा ये है कि पतला सा हो रहा है क्योंकि प्याज लहसुन खाने ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए टमाटर ही टमाटर डाले। कहाँ जा रहे हो? घर से भागने की तैयारी हो रही है। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? तो बुआ के वहाँ नहीं रहे फिर, वहाँ तक मिल जाता आपको खाना? शुक्रवार एक कप रह रहे वहाँ, अपन नंदा करेगा। आप भी वही रहते फिर? तो कैसा लग रहा है फिर आपको आज? गाय लग गया आप? अच्छा ही लग रहा, मैंने सोचा आपको सरप्राइज देंगे पर आपको पहले ही पता चल गया कि गोलियां गिर रहे। पापा नहीं रह पाएंगे, फोन कर दिया उन्होंने आपको। तो यहाँ पर मेरी रोटियां तैयार हो गई हैं, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग अब खाना खाते हैं। बारिश तेज होने की वजह से लाइट भी चली गई है, तो मिलते हैं बढ़िया सी रोटी के साथ कल। फोन में भी चार्ज नहीं है, पसंद आए जोर से बिजली कट गई, मेरा तो दिल हाथ में आ गया, बाप रे डर के मारे प्राण चले गए किचन में। मैं भागती हूँ प्राणी किचन में आ गई हूँ, तो ऊपर ही खाते हैं खाना, खाना नहीं खाया था हमने। तो देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, डर लग रही है बहुत ज़्यादा। तो कल को मिलते हैं अभी, बाय बाय।